Hello everyone, hope you all are fine and safe at your places. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ टिप्स फॉर एग्जाम प्रेजेंटेशन जो कि आपको हेल्प करेंगे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो टिप नंबर वन, एज वी ऑल नो द फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. जो स्टार्टिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कई बार वो लास्ट इम्प्रेशन क्रिएट कर जाती है. दैट मींस इसका मतलब क्या है कि जो किसी भी एग्जाम की स्टार्टिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो जब भी आप अपना एग्जाम प्रेजेंट करोगे तो आप ये ध्यान रखोगे कि जो आप फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो वो आपको अच्छे से आता हो. मतलब आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से चूज करना है बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन ज्यादा अटेंशन ग्रैब करता है चेकर की. ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज किसी भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. लाइक आप कोई भी क्वेश्चन करते हो तो उसकी स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जब भी चेकर क्वेश्चन मतलब जो आपका आंसर है उसको चेक करने लगेगा तो वो स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है वो जरूर रीड करता है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप स्टार्टिंग कर रहे हो, जो स्टार्टिंग में लिख रहे हो, उसमें कोई भी एरर ना हो, कोई भी एरर ना हो. अब एरर कौन सा, ना ही कोई ग्रामेटिकल एरर, ग्रामर का कोई एरर नहीं होना चाहिए. सेकेंड इज कोई भी कंसेप्चुअल एरर नहीं होना चाहिए, मतलब कंसेप्ट के बारे में गलत नहीं लिखा होना चाहिए, पूछा कुछ हुआ आपने लिख कुछ और दिया. और थर्ड वन इज स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. मतलब क्वेश्चन की स्टार्टिंग पे आपने ज्यादा ध्यान देना है कि स्टार्टिंग ही अगर गलत हो गई, अगर स्टार्टिंग उन्होंने 3-4 लाइंस रीड की और वो गलत हुई तो वो गलत इंप्रेशन क्रिएट करता है. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन वाइसली चूज करना है, बहुत ही ध्यान से चूज करना है. और किसी भी आंसर की स्टार्टिंग आपने ध्यान से करनी है, मतलब आपने ये ध्यान रखना है कि उसमें कोई एरर, कोई भी गलती ना हो. ओके, सो नेक्स्ट इज टिप नंबर टू, दैट इज हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपको हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है. और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, बॉक्स का यूज कर सकते हो. मतलब आपको किसी भी चीज को हाईलाइट करना है, लाइक कुछ लिखना है तो आप उसको बॉक्स के अंदर लिख सकते हो. तो इससे क्या होता है कि अटेंशन ग्रैप होती है चेकर की. बट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी चीज को हाईलाइट कर रहे हो तो वो करेक्ट हो. ऐसा ना हो कि आपने कुछ किसी गलत चीज को हाईलाइट कर दिया, क्योंकि अगर आप किसी चीज को बॉक्स में डाल रहे हो तो वो चेकर देखेगा कि इसने क्या लिखा है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस चीज को आप हाईलाइट कर रहे हो वो बिल्कुल सही है. ठीक है, हाईलाइट आप इसे कर सकते हो, बॉक्स कर सकते हो, सर्कल में कर सकते हो उस चीज को, या फिर आप इसे बोल्ड में लिख सकते हो, थोड़ा सा उसको बड़ा लिख सकते हो. ठीक है, या फिर कैपिटल, मतलब नॉर्मल आप दूसरे लेटर्स यूज कर रहे हो, कैपिटल लेटर्स यूज कर सकते हो. मतलब बेसिकली आपको चेकर की अटेंशन ग्रैब करनी है कि मुझे चेकर को ये बताना है कि मुझे ये पता है. तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करना है. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट टिप, नेक्स्ट टिप इज यूज डायग्राम्स, ग्राफ्स एंड फ्लो चार्ट्स. हमें जब अपना एग्जाम प्रेजेंट करना होता है तो हमें कोशिश करनी होती है कि हम डायग्राम्स का यूज करें, ग्राफ्स का यूज करें और कुछ चार्ट्स का यूज करें. बिकॉज इससे क्या होता है कि जो हमारा एग्जाम है वो थोड़ा प्रेजेंटेबल हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है कैश सेल्स. तो एक तो आपके पास ऑप्शन है कि आपने एक पैराग्राफ लिख दिया कैश सेल्स पे कि कैश सेल्स में दो पार्टीज होती हैं और वो जो बायर होता है वो गुड्स को लेता है और वो पे करता है सेलर को. ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो. और दूसरा है कि मेरे पास जैसे कैश सेल्स है तो मैं इसका एक डायग्राम बना दूं लाइक दिस. ठीक है, दो पार्टीज हैं, दैट इज बायर एंड सेलर. राइट, बायर जो है वो सेलर से गुड्स परचेज करता है, तो इसने गुड्स गए और फिर बायर पेमेंट कर देता है. राइट, पेमेंट कर देगा यानी कैश दे देगा. तो देखो इसको मैंने डायग्राम में डाल दिया, तो आप बताओ पैराग्राफ ज्यादा इफेक्टिव रहेगा या डायग्राम? ऑब्वियसली डायग्राम. तो आपको कोशिश करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा डायग्राम्स यूज कर सको. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, उसमें मैं ऐसे एक डायग्राम बना सकती हूँ. ओके, लाइक दिस मैं एक डायग्राम बना सकती हूँ कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन. तो इस तरीके से आप
डायग्राम्स, मतलब जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड डायग्राम्स बना सकते हो। इसके लिए आप गूगल की हेल्प ले सकते हो पहले से ही, मतलब जब आप टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हो तो आप दिमाग में ये लेगो, मतलब सोच लोगे कि हाँ मैं इसमें ये डायग्राम बना सकती हूँ। ओके, तो जो डायग्राम्स होते हैं वो प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव करते हैं। ओके, सो डायग्राम्स का यूज करना है। एंड टिप नंबर 4, अवॉइड ओवरराइटिंग एंड कटिंग। ओवरराइटिंग और कटिंग को हमें अवॉइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गलती हो भी जाती है तो ऐसा नहीं, मतलब ऐसे नॉर्मल से उस पर लाइन लगा दो या ऐसे इसको कट कर दो। अब कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे ऐसे, तो देखो ये भी चेकर की इंटेंशन, मतलब जो अटेंशन होता है वो ग्रैप करता है कि हाँ बच्ची कटिंग है, बट अगर आप ऐसे करोगे वो थोड़ा सा इग्नोरेबल हो जाएगा। समझ, अब आप बताओ ना, ये ज्यादा अटेंशन ग्रैप कर रहा है ये, ऑब्वियसली दिस वन। तो ये जो ऐसे कटिंग है, मतलब कटिंग करनी पे, वैसे तो आप ये कोशिश करो कि मिस्टेक हो ही ना, बट अगर हो भी जाती है तो कटिंग एक प्रॉपर वे में करो। ओके, दैट इज आवर फोर्थ टिप। सो कमिंग टू द नेक्स्ट टिप, नेक्स्ट टिप इज अबाउट मार्जिन्स। मार्जिन्स मतलब स्टूडेंट्स के बड़े डाउट्स रहते हैं कि क्या मार्जिन्स लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए, लगाने चाहिए तो कितने लगाने चाहिए। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मतलब मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, दैट इज मैं मार्जिन्स लगाती हूँ, मुझे उसके बिना अपना एग्जाम अच्छा नहीं लगता था। तो बट जो मार्जिन्स है वो आपको थोड़े से ही लगाने हैं, ऐसा नहीं कि आप मार्जिन्स ऐसे जैसे ये है यहाँ पे मार्जिन्स लगा रहे हो और यहाँ पे लिख रहे हो सिर्फ। तो चेकर को पता लग जाएगा कि कहीं ना कहीं आप पेजेस फिल करने की कर रहे हो। तो आप मार्जिन्स यूज कर भी सकते हो और नहीं भी, बट अगर आप मार्जिन्स यूज कर रहे हो तो आप उसको बस थोड़ा ही रखें, ज्यादा ना रखें। मतलब एक स्केल होता है ना, पतला स्केल, उस अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। बिकॉज अगर आप ज्यादा रखोगे तो चेकर को लगेगा कि यू आर ट्राइंग टू कवर दैट स्पेस, तो अवॉइड दैट प्लीज। ओके, सो दैट इज आवर टिप नंबर 5। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टिप, नेक्स्ट टिप इज कोट करंट एग्जाम्पल्स। आप जब एग्जाम प्रेजेंट करो या टॉपिक को पढ़ रहे हो तो कोशिश करना कि उसमें करंट एग्जाम्पल्स डाल सको, मतलब पहले कंसेप्ट को अच्छे से समझो और उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो उसमें डालो। तो इससे भी आपका एग्जाम जो होता है वो प्रेजेंटेबल होता है। और फिर उस एग्जाम्पल्स को सपोज बॉक्स में डाल दो, मतलब जिसमें भी आपको अटेंशन ग्रैप करानी है ना चेकर की, तो वो आप थोड़ा हाईलाइट कर दोगे उस चीज को कि हाँ ये मुझे पता है। ठीक है, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि करंट एग्जाम्पल्स को कोट करो। सो नेक्स्ट टिप इज टिप नंबर 7, दैट इज नेवर लीव ब्लैंक पेजेस। ब्लैंक पेजेस लीव नहीं करने, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पेज बीच में छोड़ दिया और फिर नेक्स्ट से मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं करना। ये जो होता है मतलब इट इज नॉट गुड, ब्लैंक पेजेस को आपको नहीं छोड़ना। फॉर एग्जाम्पल कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लाइक अब वो एग्जाम कर रहे हैं और एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया तो वो क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये भी अच्छा नहीं लगता, आपको यहीं से स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज वो ऐसा लगता है कि आप पेजेस फिल करने की कोशिश कर रहे हो। तो ब्लैंक पेजेस फिल नहीं करने, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ब्लैंक पेजेस फिल, मतलब ब्लैंक पेजेस रह जाते हैं तो इससे क्या होता है कि कई बार चेकर आगे चेक ही नहीं करता, वो सोचता है कि शायद आपका जो एग्जाम है वो खत्म हो गया है यहाँ पे। तो ब्लैंक पेजेस आपने, ब्लैंक पेजेस मतलब खाली पेजेस आपने नहीं छोड़ने बीच में। ओके, नेक्स्ट इज टिप नंबर 8, दैट इज रिलेटिंग विद शीट मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट। देखो शीट मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको थोड़ा सा रिलेशन बनाना है शीट, टाइम और मार्क्स में, मतलब इन तीन चीजों को आपको कंसीडर करना है कि कितनी शीट्स मैं दूंगी इस क्वेश्चन को, कितना टाइम दूंगी, और उसका जो बेसिस है दैट शुड बी मार्क्स। मतलब मार्क्स इनके बीच में आपको एक ब्लूप्रिंट बना के रखना है कि मेरे को कितना टाइम एक क्वेश्चन को देना है, कि वो कितना मार्क्स, मतलब मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको शीट और टाइम की बाइफर्केशन, मतलब एक किसी भी क्वेश्चन को शीट्स मतलब स्पेस या टाइम देना है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि शीट मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं शीट और टाइम मैनेजमेंट पे मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो बट यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो रिलेशन रहेगा शीट मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट का, दैट इज मतलब मेन जो बेसिस होगा दैट इज मार्क्स, कि वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टिप नंबर 9, दैट इज प्रॉपर एंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। एंडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आपने खाना खाया और उसके बाद जब लास्ट में कुछ मीठा खाने की बारी आई
तो वो बहुत ही खराब था, तो इससे क्या होगा, आपका पूरा मूड खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो एंडिंग होती है किसी भी क्वेश्चन की, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम क्वेश्चन की एंडिंग करें वो भी बिल्कुल परफेक्ट हो। तो वो कैसे कर सकते हैं, कंक्लूजन, कंक्लूजन लिखें। और यहाँ पे भी ये ध्यान रखना है कि अगर आप कंक्लूजन लिख रहे हो तो वो भी जो चेकर है उसकी अटेंशन ग्रैब करता है, तो यहाँ पे भी कोई एरर नहीं होना चाहिए, ना ही कंसेप्चुअल, ना ही ग्रामर, ना ही स्पेलिंग एरर। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यहाँ पे एंडिंग की बात हो रही है तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन नंबर 4th और 5th, व्हाटएवर, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर है वो बहुत ही बड़ा लिखना है, मतलब स्पेसिफाई होना चाहिए कि हाँ ये कौन सा बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 4। और जैसे अब मैंने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, अब वो यहाँ पे एंड हो रहा है, तो अब मुझे ये पता लगना चाहिए कि हाँ ये यहाँ एंड हो रहा है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे नेक्स्ट स्टार्ट करना है 5th, तो ये यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, मतलब प्रॉपर एंडिंग, मतलब आपको स्पेसिफाई करना है कि यहाँ पे एंड हो रहा है। इससे क्या होता है कि चेकर को आसानी होती है आपके एग्जाम को चेक करने में, पर जितना ही चेकर को आसानी होगी, चेकर को कन्वीनियंस प्रोवाइड करोगे, उतने ही वो आपको मार्क्स अच्छे देगा। तो हमें थोड़ा सा चेकर के बारे में सोचना है कि किस तरीके से हम उसे बता सकते हैं कि हमें ये आता है, क्योंकि वो आपके एग्जाम पे इतना टाइम नहीं लगाने वाला, मतलब उसके पास बहुत सारे एग्जाम होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे उसे को बताना है कि मुझे ये आता है। ओके, क्लियर है? सो प्रॉपर एंडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और उसमें ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन कहाँ खत्म हो रहा है, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, आप 2 लाइंस लगाओ, उसको फिल कर दो या कुछ भी करो, बट वो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, कोई भी लाइंस या समथिंग, बट ये पता लगना चाहिए कि क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है, और क्वेश्चन अटेम्प्ट कौन सा किया है, लाइक 4th है, 5th है, वो स्पेसिफाइड होना चाहिए। ओके, सो दीज वर द टिप्स, होपफुली ये आपके लिए वैल्यूएबल होंगी। अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। योर कमेंट्स बेसिकली आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। हैव अ गुड डे।